करने वाले हैं कि स्लाइड शेयर से पीपीटी किस प्रकार से डाउनलोड करनी है। आपको कोई भी जो पीपीटी है उसकी लिंक क्या करनी है, आपको आपको कॉपी करनी है। तो मैं सिर्फ अपनी पीपीटी की बताऊंगा कैसे करना है। तो मान लो कि हमने किसी भी स्लाइड शेयर के पीपीटी पे विजिट किया, जब भी हम ऐसे नेक्स्ट पेज करते हैं तो यू आर रीडिंग अ प्रीव्यू, एक्टिवेट योर 14-day प्री ट्रायल टू कंटिन्यू रीडिंग, ऐसा आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपली ये जो लिंक है इधर क्लिक करने का और उसी लिंक को कॉपी करके क्या करना है, नया टैब ओपन करना है और नया टैब में स्लाइड शेयर डाउनलोडर ऐसा टाइप करके सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद जो पहली लिंक आती है उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इधर आपको दिखाएगा कि पेस्ट करो लिंक, और उधर हमको क्या है, लिंक को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगर आपको PDF में डाउनलोड करना है तो PDF में कीजिए, अगर आपको PPT में डाउनलोड करना है तो PPT में कीजिए। तो मैं PPT में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो PPT के ऊपर क्लिक करूँगा, डाउनलोड इन PPT। तो कोई भी लिंक आप इसमें पेस्ट कीजिए, आपको PPT डाउनलोड होके मिलेगा। देखो अभी डाउनलोड हो गया, अभी ओपन हो जाएगा। देखो इस प्रकार से आप PPT को डाउनलोड कर सकते हैं।